पवित्र भूमि बना करके वही 88,000 ऋषि कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि महाराज इस कथा को सुखदेव भगवान ने श्रवण कराया, आद्योपान्त इनका जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूत जी कहते कि ऋषियों सम्यपासयितं प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। एक बार सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम बना हुआ है, यहां से पहुंचोगे बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा आगे चलोगे तो व्यास गुफा, सरस्वती नदी के किनारे व्यास भगवान का आश्रम बना हुआ है। सुबह अग्निहोत्रशाला से निवृत्त होकर के, संध्या बंधन से निवृत्त होकर के व्यास भगवान बैठे हुए हैं। तब तक इनके पास में पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, अंग्रह, समस्त ऋषियों ने जाकर के प्रणाम किया, स्वामी जी प्रणाम। व्यास भगवान ने खड़े होकर के सबका स्वागत किया, अभिनंदन समारोह किया, उचित आसन पर बैठाला, कन्न बोल फल देकर के स्वागत किया और पूछा, ऋषि आगमन कैसे हुआ? समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी, हम आपके समस्त साथ साथ के ही ऋषि हैं, हमने आपने मिलकर के दाम्पत्य युग में जोड़ा पैदा किया, मान विवाह संस्कार किया और सबने एक एक पुत्र को जन्म दे दिया। घर में एक पुत्र हो जाना उसकी गणना योग्य में आती है, लेकिन स्वामी जी आपने एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। हमारी जिज्ञासा है कि एक पुत्र उत्पत्ति आपके घर में होना परम आवश्यक है। हंस करके व्यास भगवान ने कहा, हो ऋषि क्या कहते हो, पुत्र उत्पत्ति ये तो भगवान के भजन से विरक्त करना, दूर करना है। माया मोह निराशस्य वैष्णवं कथते क्रिया, ये तो माया के आडंबर में लड़ने वाला है। तो मैं पता संसार में सुखी कौन है? अरे गरीब कहे धनबान सुखी, धनबान कहे सुख राजा को भारी, अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन कहो, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। अरे सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, परमात्मा की भक्ति में है। ऋषियों ने कहा कि महाराज अब मर्जी हमारी थी और मर्जी आपकी है। समस्त ऋषियों ने प्रणाम किया, वहां से निकल गए। व्यास भगवान को चिंता होने लगी कि अब मुझे पुत्र कैसे मिलेगा, मेरी तो वृद्धावस्था आ गई। लेकिन तब तक वहां कहीं से विचरण करते करते हरि बोल कहते हुए और ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देखकर के व्यास भगवान बोले, आइए स्वामी, आइए, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन नारद जी ने देखा कि व्यास भगवान आपकी चिंता की लकीरें मत्थे पे दिख रही हैं, क्या कारण है, तुम्हें कौन सी चिंता बढ़ गई? तब कहा कि स्वामी जी अब तक तो इच्छा नहीं थी, लेकिन नारद जी अब मेरी इच्छा है कि मुझे एक बालक की प्राप्ति हो जाए। नारद जी ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति, अपना पूर्व जन्म का वृतांत बताया, पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? व्यास ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा कि आप पुराणों की रचना कर दो, पुराणों का विवेचन करोगे, द्रव सत्य है, आपको पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। नारद जी तो कहकर के निकल गए और व्यास भगवान ने ब्रह्म नद्या सरस्वत्वामाश्रमं पश्चिमे तटे, वही सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके
और इन्होंने प्राणों को लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इन्होंने गणेश पुराण, और गणेश पुराण को क्यों लिखा? क्योंकि गणेश भगवान सर्वप्रथम पूजनीय है। दूसरे पुराण बोलने वाले लिखवाने वाले तो व्यास भगवान है, लेकिन लिखने वाला कौन है? तो व्यास ने गणेश जी से कहा, क्यों गणेश, मैं को धम करना चाहता हूं, आप इसमें सहायता करोगे? गणेश जी का अवश्य, क्या उद्यम करोगे कि मैं प्राण लिखना चाहता हूं, आप लिख दोगे? गणेश जी ने सोचा कि धर्म के काम में मना तो कौन कर सकता है, लेकिन मैं कब तक लिखता रहूंगा, कितने समय तक इनके पास में रहना पड़ेगा? मर लिख तो दूंगा, लिखने की मेरी शर्त रहेगी। क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम कहीं बोलने से बंद हो जाओगे तो मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, और एक बार मैंने कलम को बंद कर दिया तो मैं दूसरी बार हाथ में कलम नहीं उठाऊंगा। व्यासी ने सोचा समस्या तो जटिल है, लेकिन दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है। व्यासी का तो ठीक है, अब इन्होंने प्राण लिखना प्रारंभ किया, और 100 श्लोक के बाद में कोट नीति का श्लोक बोलते, लिखिए गणेश जी, क्या लिखूं महाराज? संसार में ऐसा राजा होगा जिसका मुकुट जमीन से लेकर के आकाश तक लंबा होगा। गणेश जी ने कलम रख करके कहा कि ये तुम्हारी असत्य बात है, और असत्य बात कभी शास्त्र में लिखी नहीं जाती है, शास्त्र की बात सभी सत्य होती हैं, तो इसको तो मैं नहीं लिखूंगा। व्यासी का कैसे सत्य है? देखो ना, जिसका मुकुट जमीन से लेकर के आकाश तक लंबा होगा, तो जिस राजा के सिर पर रखा जाएगा तो मुकुट के हिसाब से उस राजा का आकार कितना होगा? वो तो कहीं इतनी लंबाई में राजा वो बन गया, तो जमीन से आकाश तक तो मुकुट ही मुकुट है, फिर उसका आकार कहां बनेगा? ये तो असत्य है। व्यासी का असत्य नहीं, सत्य है, क्योंकि कलयुग में कोई भी राजा नहीं रहेगा। कलयुग में हर जीव मात्र ही स्वयं का राजा रहेगा। अयमान रूपी मुकुट इतना सिर पे रहेगा जो है सो मैं ही तो हूं, मेरी बराबरी पे कोई नहीं है। अहंकार रूपी मुकुट सिर पे रहेगा जिसका आकार जमीन से लेकर के आकाश तक रहेगा। गणेश प्राण, ब्रह्म ब्रह्म, वैवर्त प्राण, कोरम प्राण, बारह प्राण, अग्नि प्राण, पदम प्राण, लिंग प्राण, ब्रह्मांड प्राण, ब्रह्म प्राण, अग्नि प्राण, 17 प्राण रच करके तैयार कर दिए, लेकिन व्यास भगवान की यहां बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। नर जी पुनः लौट करके आए। व्यास ने कहा, महाराज तुमने तो एक प्राण की चर्चा की, और मैं तो 17 प्राणों को रच करके तैयार कर दिया, लेकिन मेरे यहां बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि सब पुराणों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के और 18 महापुराण की तुम रचना करोगे, ये द्रव सत्य है, तुम्हें बालक की उत्पत्ति हो जाएगी। 18 महापुराण रचना की तो इतने वेग से जैसे छोटी पुस्तक हो या बड़ी पुस्तक हो, पहली गणेश वंदना, गुरु वंदना, इष्ट वंदना मिलेगी, लेकिन भागवत का तो सबसे पहला श्लोक, इयम् ब्रह्मजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनौ प्रेकात्रयाजुहाव। क्योंकि पुत्र के बरे में भागवत लिखा जा रहा है, तो पुत्र की ही व्याख्या को सबसे पहले यही श्लोक को लिख दिया, और 17 प्राण रच करके तैयार हो गया। नारद जी ने सोचा इनको बालक कैसे मिलेगा, तो इंद्र के यहां से गताची नाम की अप्सरा को ला करके अमरावतीपुरी से मृतलोक में लाए। जब अमरावती से नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शिव का निवास रहता है। गताची ने सोचा कि इस स्वरूप से तुम नहीं जा सकते,
कि सुग्गी का तोते का स्वरूप बनाया, अपना ग्रताची अप्सरा का रूप हटाया, तोता बन करके वहां से आगे चली तो सबसे पहले मिलता है व्यास आश्रम, जहां व्यास भगवान निवास रहते हैं। और सुबह पुत्र के गृह में अरंडी मंथन, आजकल तो अग्नि को माचिस की तीली से प्रकट किया जाता है, पहले लकड़ी से लकड़ी की घर्षण शक्ति करके अग्नि को प्रकट करते थे। तो अरंडी है, अरंडी की लकड़ी को घिसकर की अग्नि प्रकट कर रहे हैं, तब तक ग्रताची का निकलना हो गया। व्यास भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ने बात से ही तोते की गर्भ में बालक आ गया। 3 महीने तक तब वो विचरण करती रही, सोचा इस मृतलोक से निकल करके मैं अमरावतीपुरी के लिए चलूं। अमरावतीपुरी के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंची, अपना स्वरूप बदला, अप्सरा का रूप रखा, सोचा मेरे गर्भ में तो 3 मास का बालक है। अरे कहीं इंद्र को पता चल गया तो इंद्र मेरा तिरस्कार कर देगा, तो उस गर्भ का खंडन किया, गर्भ को गिरा दिया। अग्रताची अप्सरा का रूप रख करके अमरावतीपुरी के लिए चली गई। नारद जी ने सोचा यह तो व्यास भगवान का बालक होने वाला था और ये तो 3 मास का निर्जीव बन गया, अब इसको सजीव कैसे किया जाए? तो सजीव तो केवल भगवान शिव ही कर सकते।